वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आए हुए हैं एक ट्रिक पे। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो हम वहाँ से आ चुके हैं चढ़कर सीधे यहाँ पे, और हमारे साथ ये है अदनान भी है, शराज भी है और मुशाहिद भी आ चुका है। सो एक्चुअली हम जंगल में एंटर हो चुके हैं। यहाँ का रास्ता भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता है। सो ये देखिए कैसे कैसे रास्ते यहाँ पर, यहाँ से आना पड़ता है। आ जाओ आ जाओ अदनान, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना एडवेंचर? ये देखिए सो बर्फ भी है यहाँ पर। ऊपर चलेंगे तो और भी ज्यादा बर्फ होगी थोड़ी बहुत, तो देखते हैं। अदनान भी चल रहा है आगे आगे, वो बहुत थक चुका है एक्चुअली। घर से तो वो निकल आया था खुशी खुशी में, लेकिन अब यहाँ पे उसको थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी हेल्प करेंगे, उसको भी पहुँचा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना कंजेस्टेड रास्ता है यहाँ पर, और ये चीड़ के दरख्त हैं छोटे छोटे, बीच में कांटे भी लगे हुए हैं। ये देखिए नान कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थके तो नहीं हो आप? ओके तो एक्चुअली यहाँ पे ये क्लोजर बना हुआ है, हम इसके बीच में फंस चुके हैं। अब यहाँ से हमें ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से नहीं निकल सकते। यहाँ से आगे चलते हैं। हाँ जाओ जाओ, इधर इधर आ जाओ। यहाँ पर पहुंच चुके हैं फाइनली। अभी हमें वहाँ ऊपर जाना है, सामने वहाँ पे बर्फ भी दिख रही होगी आपको, वहाँ चलते हैं। सो गाइस हमें यहाँ पे कुछ मिला है, ये मुझे लगता है जो भेड़ होती है उसकी ऊन है ये, और इसको भी यहाँ से ले चलेंगे क्योंकि ये आग जलाने के काम आएगी वहाँ पे, तो चलते हैं इसको भी लेके वहाँ पर। तो हमें रास्ता यहाँ से मिल चुका है आने के लिए, फाइनली हम निकल चुके हैं। हमारे भाई पीछे खड़े आ रहे हैं आस्ते आस्ते, अभी और ऊपर चलते हैं और फिर से आपसे बात करते हैं। सो गाइस हम यहाँ पे पानी के पास पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, पानी बहुत ही फिल्टर होता है जैसे इस किस्म का, ये एक कुदरती पानी है यहाँ पर, और मीठा पानी बोलते हैं यहाँ पर इसको। तो चलिए हम भी टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सच में गाइस बहुत ही टेस्टी है ये वाटर, तो और एकदम साफ पानी है। सो फाइनली वी आर हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्फ, अभी थोड़ी थोड़ी बर्फ बची है यहाँ पर। अदनान खेल रहा है बर्फ में, वहाँ वो बर्फ में एंजॉय करते हुए अदनान मुशाहिद और शराज एक दूसरे को गोले मार रहे हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ इनसे। ना ना, आप भी मारो, आप भी मारो, उठाओ गोला बनाओ। यस मारो मारो, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो यहाँ पे बर्फ भी बहुत ज्यादा है, ये देख सकते हैं आप। और ये रहा हमारा गुस्साई,
वहाँ टॉप पर जहाँ पे बर्फ है ना, को जूम करके बताता हूँ। ये जगह जो है ये शास्तार में आती है, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी जगह है, टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर जा सकते हैं आप गर्मियों में। और इस टाइम भी यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है, तो आप जाके एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। और नीचे जो है ये हमारा घर, सामने हमारा घर रहा नीचे, और बाकी आसपास ये हमारा गांव है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी तैयारी हो रही है मैगी बनाने के लिए, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हम अपना एक चूल्हा बना रहे हैं, जिसमें आग वगैरह जलाएंगे और फिर वहाँ पे उसके ऊपर ये बर्तन वगैरह रख के मैगी बनाएंगे। हमारे साथ में शायद भी हैं जो अभी लकड़ियाँ भी लाएंगे और यहाँ पर जलाएंगे। चूल्हा जो है ये बन गया है, इसके ऊपर हमने ये फ्राई पैन जो है चढ़ा दिया। अब चलते हैं लकड़ियाँ लेके आते हैं। ये लकड़ियाँ काफ़ी नहीं है भाई, और लाओ। हाँ, लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं यहाँ से भी, हमने पूरा साथ में लाए हुए काटने के लिए भी। ये देखिए, यहाँ से ले लेते हैं लकड़ियाँ और फिर इनको जलाएंगे। क्या कर रहे हो आप, बर्फ़ खा रहे हो? ना ना, आज बर्फ़ खा रहा है, यहाँ से ज़्यादा नहीं खाना, बीमार हो जाओगे आप। ठीक है, इधर देखो, अरे मुशाहिद भाई ने लकड़ियाँ जो हैं वो इकट्ठी कर ली हैं, अब ये यहाँ पर इनको रखने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी हैं तो अब ये इसमें लगा रहे हैं, आग जलाएंगे। तो शिराज ने भी और लकड़ियाँ लाई हैं, अब मेरे ख्याल से काफ़ी हो चुकी हैं। इसको बोलते हैं खंगारा, ये भी काफ़ी अच्छा जल जाता है, ये काम आएगा हमारे। और जो हमने वो ऊन लाई थी उसकी हेल्प से भी हम आग जलाएंगे। तो ये हम आग जलाने लगे हैं अब। वो हमने जो बेड़ की ऊन थी वो भी डाल दी है, और ये सूखा हुआ है सब कुछ, तो होप कि आग जल जाए। वो चूल्हा जो है ये बन गया है, इसके ऊपर हमने ये फ्राई पैन जो है चढ़ा दिया। अब चलते हैं लकड़ियां लेके आते हैं। ये लकड़ियां काफ़ी नहीं है भाई, और लाओ। हाँ, लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं यहाँ से भी, हमने पूरा साथ में लाए हुए काटने के लिए भी। ये देखिए, यहाँ से ले लेते हैं लकड़ियाँ और फिर इनको जलाएंगे। क्या कर रहे हो आप, बर्फ़ खा रहे हो? ना ना, आज बर्फ़ खा रहा है, यहाँ से ज़्यादा नहीं खाना, बीमार हो जाओगे आप। ठीक है, इधर देखो, अरे मुशाहिद भाई ने लकड़ियाँ जो हैं वो इकट्ठी कर ली हैं, अब ये यहाँ पर इनको रखने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी हैं तो अब ये इसमें लगा रहे हैं, आग जलाएंगे। तो शिराज ने भी और लकड़ियाँ लाई हैं, अब मेरे ख्याल से काफ़ी हो चुकी हैं। इसको बोलते हैं खंगारा, ये भी काफ़ी अच्छा जल जाता है, ये काम आएगा हमारे। और जो हमने वो ऊन लाई थी उसकी हेल्प से भी हम आग जलाएंगे। तो ये हम आग जलाने लगे हैं अब। वो हमने जो बेड़ की ऊन थी वो भी डाल दी है, और ये सूखा हुआ है सब कुछ, तो होप कि आग जल जाए। देख सकते हैं बर्फ़ ऊपर, बर्फ़ है, और यहाँ पर हमने आग जलाई हुई है बर्फ़ में, और हम बनाएंगे अब मैगी। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। सो आग हमारी जल चुकी है, अब यहाँ पर इसको ऊपर रखते हैं और मैगी बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आग जल चुकी है अच्छी तरह से। तो सो पानी बॉयल हो चुका है यहाँ पर, अब इसमें डालेंगे मैगी। डाल दो भाई मैगी। तो मैगी के हमने 5 पैकेट लाए हैं, तो 5 के 5 इसमें डाल देंगे। ओए क्या कर रहा है? सो ये हमारे 5 पैकेट इसमें पड़ चुके हैं। तो यहाँ पर भेड़ बकरियाँ भी आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी हम इसके जो मालिक है उससे भी बात करेंगे। आज ऐसे पेड़ कितनी है थारी? ये थारा थारा, ये सारा थारा है। अच्छा, तो यो जो परला पास फिरो कर रहे हो, किसु है? किसु आए या? अच्छा,
तेरो के ना यारे भाई किधर मेरा नाम मोहम्मद राइफ है? स्कूल पढ़ा नहीं? ठीक है। ये शिराज ने जो है ये उठाई, इसको क्या बोलते हैं भाई, क्या ये शिप शिप, शिप का शिप बच्चा का ये लैंप बच्चा है ये, लैम्प 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 बोलते हैं इसको। फाइनली गाइस मैगी हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम इसको सर्व करेंगे और यहाँ से अब लेके चलते, थोड़ा ऊपर जाएंगे वहाँ पर, तो वहीं पर चल के हम खाते हैं मैगी, एंजॉय करते हैं। और चलिए अब यहाँ पर मैगी वगैरह खाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मैगी को हम प्लेट्स में डाल रहे हैं यहाँ पे, और ये है यहाँ की लोकेशन, बहुत ही ज़बरदस्त। अदनान मैगी ले खा रहे हो आप? तो गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर इस चैनल की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।